हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में 1 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनने वाले हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर आप टेक्निकल चार्ट पर चले तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में से स्टॉक में 3% की रैली देखने को मिली है और एक महीने में से स्टॉक में 6% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया 61 रुपए 80 पैसे। 61 रुपए 80 पैसे का इस स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। जहां पर नीचे का देखें तो इस स्टॉक में एक फ्रेश सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा 44 रुपए। 44 रुपए इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक रैली देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो तो अराउंड 44 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 54 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 46 रुपए के एक छोटी स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 49 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर दबाव देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।